कि तुम 20 सवाल सेक्शन बी के सही निकाल दो और सी के सही निकाल दो, यही कर दोगे तो 120 तो यही आ गए। क्वेश्चन एंड अबाउट अदर्स एज वेल हु आर हैविंग डाउट हाउ टू सॉल्व द पेपर और हाउ टू मेक द 3R अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचना वैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि तुम थर्ड राउंड पे पहुँच पाओ। अगर तुम यहाँ डिसिप्लिन रहोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, बट यहाँ पे डिसिप्लिन शो करना ही बहुत टफ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बिकॉज ईगो विल कम, यू मतलब भले ही मैं तुमसे साइन करवा सकता हूँ इस बात पे, यू विल बिकम ईगोइस्टिक इन द पेपर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी। व्हाई? क्योंकि थके गिरोगे। यहाँ पे कोई लॉजिकल कंजक्चर नहीं होता सेक्शन ए में, या तो आता है या नहीं आता है। बी में भी कुछ ऐसी स्थिति है, बट बी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम सोच सकते हो थोड़ा सा प्रायर नॉलेज लगा के, 11वीं 12वीं का नॉलेज लगा के। अगर तुम मेंटली स्टेबल हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बट अगर मेंटली ही अनस्टेबल हो तो प्रेपरेशन गो इनटू वेन, दैट्स इट, सिंपल। सो प्लीज बी स्टेबल, प्लीज बी काम, प्लीज बी कंपोज्ड एंड प्लीज बी रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि हम खराटे मार रहे हैं, रिलैक्स का मतलब है मेंटली रिलैक्स्ड, फिजिकली तो यू हैव टू बी एक्टिव। ठीक है, ओके। नाउ यू हैव एनी क्वेरीज और एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस ऑन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो तुमको लगता है कि इट शुड बी डिस्कस्ड, आई एम ओपन टू इट, गो ऑन इफ यू हैव एनी। सो हाउ टू सॉल्व द पेपर, इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। ट्राई टू मेक 3 इटरेशंस। इटरेशंस का मतलब समझते हो ना, रीडिंग बेसिकली, है ना। फर्स्ट इटरेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुमने एक सेक्शन पिक किया, अब ये तुम सेक्शनल भी कर सकते हो या फिर तुम पूरे पेपर पे भी कर सकते हो, ये तुम्हारा पर्सनल कॉल है। सेक्शनल इटरेशन का मेरा मतलब ये है कि ए सेक्शन पिक किया तुमने, अब ए सेक्शन करने के लिए तुम्हारे पास में 30 मिनट्स है, अब 30 मिनट है, 20 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, आई थिंक पता ही होगा तुमको ये बात, एंड करना कितने हैं उसमें से 15 करना है। ठीक है, ये है। तो फर्स्ट राउंड में तुम कोशिश करो कि इन 20 क्वेश्चंस को, फर्स्ट रीडिंग जो दे रहे हो उसमें सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दो। अब मान लो तुमने फर्स्ट रीडिंग करी और तुमसे 4 सवाल बनाए, बट वो 4 सवाल बनाने में तुम्हारे 12-13 मिनट निकल गए, अभी तुम्हारे पास 18 मिनट और बचे हैं, 30 मिनट का बफर लेके चला था मैं सेक्शन ए के लिए, तो उस 18 मिनट्स में सेकेंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन लगाओ। सेक्शन ए के लिए थर्ड इटरेशन मत लगाना, बहुत गंदा मुंह की खाके गिरोगे। यहाँ पे कोई लॉजिकल कंजक्चर नहीं होता है सेक्शन ए में, या तो आता है या नहीं आता है। बी में भी कुछ ऐसी स्थिति है, बट बी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम सोच सकते हो थोड़ा सा प्रायर नॉलेज लगा के, 11वीं 12वीं का नॉलेज लगा के। तो ये तरीका है सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी के लिए, सेक्शन बी के लिए मेरे पास बफर है 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स में तुमको 3 इटरेशन लगाने हैं। अब पहला इटरेशन लगाओगे कितने क्वेश्चन आते हैं, 50, 50 क्वेश्चंस टू रीड। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। Whenever you are reading the question, most of the time what you do, you read the whole question. मतलब तुमको इतना ही दिमाग में नहीं समझ में आता उस टाइम पे कि ये क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है, और यहाँ पे ईगो आ जाता है, क्या बात करते हो आप, ये मेरे बस का नहीं है, आप मेरे को ये सब बोल रहे हो। बेटा ईगो रखो साइड में, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ईगो से नहीं होगा, बुद्धि से होगा, बुद्धि से, बुद्धि नहीं चलती ईगो के टाइम पे। ठीक है, ईगो नहीं लाना बीच में। फर्स्ट 2 लाइन्स शुड बी रेड to understand the question is of my ability or not. Again, you are not omniscient. ध्यान रखो इस बात को, humble रहो थोड़ा सा, ego मत लेके आओ बीच में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि ना चलो 2 लाइन में समझ में नहीं आया, अगली 2 में आ जाएगा, फिर वो अगली 2 पढ़ते हैं, फिर अगली 2 में आ जाएगा। ऐसे 8 लाइन का क्वेश्चन होता है, वो 1 मिनट उसको रीड करने में निकाल देते हैं, फिर भी उनके संपर्क में कुछ नहीं बैठता है। प्लीज डोंट डू इट। फर्स्ट 2 लाइन्स रीड इट, इफ यू अंडरस्टैंड इट मूव ऑन, नहीं तो फिर उसको छोड़ के अगले पे चलो। That is how you will save the time over here. समझ में आ रही बात साक्षी, जो तुम बोल रही हो ना कि बार बार मतलब क्वेश्चन रीड करते तो बहुत सारा ऐसा लगता है कि पिछला अगला वो सब होगा, बट उसको रिलेट करने के लिए फिर हम ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट इटरेटिव मेथड में तुमको सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लगाना है, और वी ऑलरेडी नो दैट हमारी 20+20 स्ट्रेटेजी में हमारा मेन मोटिव क्या है कि 20-20 सवाल हमको क्लियर करना है बी और सी में। प्लीज इस स्ट्रेटेजी पर थोड़ा सा बिलीव करना, यू नो यू हैव सॉल्व द पेपर्स, दिस इज नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। हम लोगों ने शायद 12 पेपर सॉल्व किए हैं, तुम्हें से कोई भी इस पर टच नहीं कर पाया अभी तक, और तुम सब अच्छा प्रिपेयर्ड हो, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को आता नहीं है। तुम बाद में घर जाके पेपर ऐसे बैठ के सॉल्व करोगे ना, तुमसे आराम से बन जाएगा वो। वो प्रेशर में निकालना इट इज वेरी टफ, कि तुम 20 सवाल सेक्शन बी के सही निकाल दो और सी के सही निकाल दो, यही कर दोगे तो 120 तो यहीं आ गए। सेक्शन ए की क्या ऐसा जरूरत नहीं है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेक्शन ए करो मत, वरना मतलब ऐसा बोल सकते हैं लोग कि आप इस तरह से सेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, क्या वो नया वर्ड निकला है। तो देयर इज नो सेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, इफ यू आर गुड इन सेक्शन ए गो विद इट, दीज आर ब्राउनी पॉइंट्स, बट यहाँ पे पहले इसको टच कर लो, है ना।
उसके बाद कोशिश करो कि सेक्शन ए में कितना कर रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम सेक्शन ए कर रहे हो तो बात खत्म हो जाती है, फिर ये वहां पे नहीं लगेगा। सो इस वजह से पहले इटरेशन में सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट, सेकेंड इटरेशन में जो तुम 50-50 लगता है तुमको, ठीक है, उसको मार्क कर दो, पहले से मार्क एंड रिव्यू पे डाल दो, आंसर मत लगाओ, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू होता है ना उसमें, आई थिंक पर्पल कलर वाला या कुछ नहीं, पर्पल तो वो है जिसमें तुम आंसर मार्क करके करते हो, एक कलर और होता है जिसमें तुम बोलते हो कि सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू है ना, या अनरेड ऐसा कुछ है, देख लेना एक बार ऑप्शन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें तुम क्या करो, 50-50 वाला जो है उसके लिए सेकंड राउंड में उसको पॉइंट आउट कर दो कि ये मैं 50-50% श्योर हूँ और 50% मैं अनश्योर हूँ, वो चीज़ हो जाएगी। बट ये सब कुछ करना है तुमको 45 मिनट के अंदर। यू हैव टू बी सो वेल रेड अबाउट द क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग, बिकॉज यू डोंट नॉट गेट टाइम टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एंड थिंक अबाउट इट। यू हैव टू रीड एंड थिंक, रीड एंड थिंक, रीड एंड थिंक, दिस इज द ओनली मैकेनिज्म। बिकॉज तुम सेक्शन सी के बारे में बात करो तो एक पन्ने का पूरा वो क्वेश्चन है। क्या लगता है तुमको तुम्हारी वर्ड WPM कितना होगा, वर्ड पर मिनट रीडिंग स्पीड? हद से 150, आई एम श्योर अबाउट इट, 150 या उससे ज्यादा। अगर तुम बहुत अच्छा रीडिंग करते हो, नॉवेल्स वगैरह पढ़ी है तुम लोगों ने, तो ज्यादा से ज्यादा 205, 210, दिस इज द हाईएस्ट। और नहीं तो तुम इसको निकाल सकते हो, अभी मत करना, एग्जाम के बाद ट्राई कर सकते हो इस चीज को। तो WPM का ध्यान रखो ना कि स्पीड क्या है रीड करने की, ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज वेन यू विल रीड इट यू विल कॉम्प्रीहेंड इट। तो रीड एंड थिंक, एंड दैट्स व्हाई आई हैव यूज द वर्ड हैंड्स यूज करना, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक पूरा पैरा पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, क्रिएट द एक्सपेरिमेंट ऑन द पेपर, बट वो कब करोगे, जब तुम यहाँ हो, जब तुमको पता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ या वाली, तब उसको रिलेट करो। हर सवाल के लिए तुम अगर बनाने बैठ जाओगे तो फिर कैसे चलेगा काम, 75 सवाल कैसे बनाओगे, हर सवाल को लेके बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा, सेक्शन सी भी कवर नहीं होगा 3 घंटे में, बी हो रहे तो भूल जाओ, विल नॉट बी पॉसिबल। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन 50-50, ठीक है, कि जहां पे तुमको लगता है कि मुझे 50% नॉलेज है, 50% मैं गैस लेने वाली हूँ, या गैस लेने वाला हूँ या लॉजिकली सोचने वाला हूँ उसके बारे में, दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ तक पहुंचना वैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि तुम थर्ड राउंड पे पहुंच पाओ, अगर तुम यहाँ डिसिप्लिन रहोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे, बट यहाँ पे डिसिप्लिन शो करना ही बहुत टफ है, पॉइंट समझ में आ रहा है, बिकॉज ईगो विल कम, यू यू मतलब भले ही मैं तुमसे साइन करवा सकता हूँ इस बात पे, यू विल बिकम इगोइस्टिक इन द पेपर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी, वाई, बिकॉज तुम्हारा मन अंदर से बोलेगा कि बेटा तूने ये पढ़ा है, तू कैसे छोड़ सकता है इस सवाल को, वो मानेगा ही नहीं छोड़ने के लिए, और तुमको वहीं उसको कुचलना पड़ेगा कि नहीं मुझे पता है कि मैं नहीं बना पाऊंगा ये सवाल, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम नहीं मिस कर सकते इस चीज को, प्लीज समझो इसको, वरना सिर्फ पढ़ते रह जाओगे और पढ़ते पढ़ते ही बाहर निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा 3 घंटे का निकल गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, ईगोइस्टिक नहीं बनना है, ठीक है। लास्टली सेक्शन सी के लिए 100 मिनट्स मोर देन इनफ है, लिटरली मोर देन इनफ है, इफ यू जस्ट डू दीज थिंग्स डिलीजेंटली, अगर तुम इन चीजों को ध्यान से करोगे तो बहुत आसानी से तुम 100 मिनट में सेक्शन सी कर सकते हो। बाकी फिर 5 मिनट बचते हैं, 5 मिनट देख लेना आसपास, कोई अच्छा बंदा बंदी दिख जाए तो देखते रहना उसको, नैन में टक्के कर लेना थोड़ा सा, और क्या, वो भी जरूरी है यार, मतलब सिर्फ पेपर देने थोड़े जा रहे हैं, ठीक है। सो देख लेना, नए नए लोग मिलेंगे वहाँ पे, देखते रहना, कुछ लोग मिलेंगे जो मतलब थोड़े से ऐसे होंगे कि खुश होंगे, कोई कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं, मैंने देखा ऐसे जैसे पीछे यूं करके देख, तो जस्ट डू इट, है ना, मस्ती जरूरी है बट पहले ये खत्म कर ले, 175 मिनट पूरे फोकस्ड, पूरे अटेंशन, पूरे डिलीजेंसी के साथ, 5 मिनट में फिर मजे करो, ठीक है। प्लीज एंड द पेपर ऑन द पॉजिटिव नोट, आई डोंट वॉन्ट कि तुम इसकी वजह से सेट में दिक्कत करो, नेट का इम्पैक्ट सेट पे नहीं आना चाहिए, इस वजह से पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है इस पेपर को, इसलिए जो तुम्हारा बेस्ट सेक्शन हो कोशिश करना उसको एंड में करने की, बेस्ट सेक्शन मतलब अगर तुम सेक्शन बी में अच्छी एक्यूरेसी रखते हो तो ट्राई टू डू इट एट द एंड, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी टाइम डिसाइड कर दिया है, अब टाइम डिसाइडेड है तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी कि ये सेक्शन पहले शुरू करूँ या ये करूँ या ये करूँ, तुमको ऑलरेडी पता है कि 30 मिनट का बफर है, अब 30 मिनट लास्ट में करो या पहले करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं जिनके कॉग्निटिव एबिलिटी शुरू में ज्यादा बेटर काम करती है, जैसे मेरे साथ है, तो आई यूज टू डू बी देन ए एंड देन सी, फिर मैं बहुत सारा पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, सी में पढ़ना बहुत सारा पड़ता है, सोचना भी बहुत सारा पड़ता है, तो इफ यू हैव इन दोज कैटेगरी, लाइक मेरी कैटेगरी में फॉलो करते हो, तो सी से पहले ए को खत्म कर लेना, दिस इज द सजेशन दैट आई कैन गिव, ठीक है।
मैंने ट्राई किया था सी के बाद एको करने का, मुझसे नहीं बना था, मतलब मेरी एक्यूरेसी बहुत डिप हो गई थी। तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर तुम पढ़ के बहुत ज्यादा, जैसे वायरिंग हिल जाती है ना थोड़ी सी, बहुत सारा पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा लगातार एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो आप नहीं सोच पाते हो कि इसने ट्रुथ बोला, इसने लाए बोला, और फिर वो कैलकुलेशन और सीरीज फॉर्मेशन। तो डू सेक्शन ए बिफोर सी, बट अगर तुम्हारी एबिलिटीज में कोई डिफरेंस नहीं आता है पढ़ने के बाद, तो गो फॉर ए एट द एंड, इट डजेंट मैटर एट ऑल। बट प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलने वाला है, ये फिक्स्ड है। क्योंकि ये फिक्स्ड है, हमको ये भी फिक्स रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज इट, नॉट बाय 1 मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट चेंज इट टू 29। अगर तुमको लगता है ना कि सेक्शन है बिल्कुल एलिमिनेट करना है, तो यू हैव द लेवरेज टू मेक इट। यहाँ पे तुम अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ऐसा नहीं लगता मुझे कि सेक्शन है एलिमिनेट करने जैसा है। 5-6 सवाल तो इतने आसान आते हैं उसके अंदर कि तुम पीवाईक्यू ढंग से करके गए हो तो तुम वैसे ही निकाल दोगे, जो छाप के देते थे वो वही क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द डिजिट एज वेल। तो 5-6 सवाल तो है ही है, तो इस वजह से मैं 30 मिनट दे रहा हूँ। ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजी सबके लिए है, वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत टेलरिंग करना पड़ेगा तुमको अपने हिसाब से, ठीक है? सो दिस इज फ्रॉम माई एंड साक्षी अबाउट योर क्वेश्चन एंड अबाउट अदर्स एज वेल हु आर हैविंग डाउट हाउ टू सॉल्व द पेपर और हाउ टू मेक द 3 आर अरेंजमेंट, ठीक है? तो दैट्स हाउ यू शुड मेक द 3 आर अरेंजमेंट। एनीथिंग एल्स?